तो देखते हैं बेटे हमारे पास 2.3 के अंदर जो आने वाली है वो है बेटे स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर क्या होता है एक बार ध्यान से देखो, जब भी हम किसी नंबर को उसी से वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो नंबर आती है वो स्क्वायर नंबर होती है। देखो हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, तो 4 क्या है एक स्क्वायर नंबर है। ऐसे मैंने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया बच्चों 9 आया, तो ये भी स्क्वायर नंबर है। 4 को 4 से किया 16 आया, तो ये भी एक स्क्वायर नंबर है। 5 को 5 से किया 25 आया, ये भी स्क्वायर नंबर है। ऐसे 6 को 6 से किया 36 आ रहा है, ये भी स्क्वायर है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49 आ रहा है, ये भी स्क्वायर नंबर है। 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64 आ रहा है, ये स्क्वायर नंबर है। 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81 आ रहा है। ऐसे 10 को 10 से किया तो 100 आ रहा है। ये सभी नंबर्स क्या है बेटे स्क्वायर नंबर्स। तो इसके बाद में जो भी आएंगे उनके लास्ट में ये आएगा, इसमें 4 आ रहा है लास्ट में, इधर 9 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, और उसके अलावा बेटे 1 आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या है ध्यान से देखिए 4 9 6 5 1 0, अगर रूल से लिखो तो 0 00 बोलेंगे, 00 1 5 6 4 भी लिख लेंगे एक बार, 00 1 4 5 6 और 9। अगर ये लास्ट में आता है किसी भी नंबर के तो कौन सी नंबर होती है बेटे स्क्वायर नंबर। तो बच क्या गया हमारे पास, हमारे पास बचे बेटे 3 7 8, ये बचे, और 2 भी बची है बेटे, एक नंबर और बच गया, 2 और बच गया। तो जिनके लास्ट में 2 3 7 8 आता है वो स्क्वायर नंबर नहीं होती। क्लियर है बच्चों, क्या बोला मैंने 2 3 7 8 जिनके लास्ट में आता है वो स्क्वायर नंबर नहीं होती, और जिनके लास्ट में 00 1 4 5 6 9 आए वो स्क्वायर नंबर हो सकती हैं। क्लियर बच्चों, वो भी जरूरी नहीं है लेकिन हो सकती हैं, लेकिन ये आ गया ना लास्ट में तो कंफर्म वो स्क्वायर नंबर नहीं होगी। समझ गए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 2.3 का, आइडेंटिफाई द स्क्वायर नंबर इन फॉलोइंग। नीचे हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन होंगे बेटे, उनमें से आपको स्क्वायर नंबर आइडेंटिफाई करनी है। 4, 6, 32, 36, 64, 85। तो बेटा आप सभी को पता है 4 जो है वो 2 × 2 करने पर आता है, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 6 नहीं है बिकॉज बेटे 2 के बाद में 3 का स्क्वायर आता है 9, तो 6 तो इन दोनों के बीच में कहीं है, तो 4 के बाद नेक्स्ट स्क्वायर नंबर कौन आती है 9, जबकि ये कितना है 6, तो 6 इनके बीच में कहीं है तो वो स्क्वायर नंबर नहीं है। ऐसे ही ये भी नहीं है क्योंकि
के बाद 4 का आता है 64, सॉरी 16, 5 का आता है 25, 6 का आता है 36। तो हमारे नंबर क्या है 32, तो 25 के जस्ट आपका 36 ही है जो स्क्वायर नंबर है, बीच वाली कोई नहीं है, जबकि ये 32 है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्यों बेटे? क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। ऐसे 64, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर होता है बेटे 81 और 10 का स्क्वायर होता है बच्चों 100। अब आप इसको देखिए, ये किसका स्क्वायर है? 8 का, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसके स्क्वायर है? किसी का नहीं है बेटे, देखो 81 के बाद में है और 100 से पहले है, तो ये बीच में आ गई ना 85, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। तो आप यहां पर लिखोगे स्क्वायर नंबर्स कौन कौन सी बेटे, 4 है, 36 है एंड 64 है, ये हमारा आंसर होगा। ये क्रॉस से ये सर्किल मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है, आपको क्वेश्चन में सीधे ये नंबर के नीचे ये लिखना है बस, मतलब आपको ऐसे लिखना है 4, 6, 32, 36, 64, 85। उसमें से कैसे लिखना है बच्चों? स्क्वायर नंबर इक्वल टू 4, 36, 64। क्लियर है बच्चों? गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा सभी ने? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, नीचे भी कुछ एग्जांपल दिए हैं, अब बताओ उनमें से किसका आंसर जीरो आएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन इस टाइप से है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, मतलब इसमें किसका आंसर जीरो नहीं आएगा, उल्टा पूछा इसने। फर्स्ट में है बेटे 1+0, बी में बेटे 0×0, सी में बच्चों 0/2 और डी में बच्चों 10/2। तो इसमें आपको बताना है किसका आंसर जीरो नहीं है। तो बेटे इसमें इसका आंसर आएगा 1, इसका 0 आएगा, इसका भी 0 और इसका आंसर आएगा 5। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए एंड डी, दो आंसर होते हैं, समझ रहे हो? तो क्या आंसर आएगा बेटे? ए एंड डी। कितने बच्चों को समझ में आया, थम्स अप करो। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। क्लियर है बच्चों? थर्ड क्वेश्चन देखो बेटे, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो, कैन वी से वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, जस्टिफाई योर एग्जांपल। बिल्कुल सही बात है बेटे, अगर हमें जीरो आंसर लेके आना है मल्टीप्लाई में, तो उनमें से कोई एक या फिर दोनों नंबर जीरो होने चाहिए। ठीक है बेटा, इसके लिए हमें एक एग्जांपल देना है बस। Let two numbers A मान लो 0 है और B मान लो बेटे 1 है, then A into B हमें निकालना हो तो 0×1 करेंगे तो आंसर कितना आ रहा बेटे? 0। And
अगर हम इन दोनों को जीरो मान लेते हैं, if a equal to be zero and b equal to be zero, तो हमारा आंसर क्या है बेटे, a into b के इक्वल जीरो into जीरो, तो भी आ रहा है जीरो। बट अगर हम a को भी नॉन जीरो यानी कि वन मान लेते हैं और b को भी नॉन जीरो यानी कि टू मान लो, तो a into b क्या आएगा बच्चों, 1 into 2 is equal to 2 आ रहा है, जो 0 के इक्वल नहीं है। तो आप लिख सकते हैं therefore if a into b, we need a into b equal to 0, then either one of them must be zero or both can be zero। ठीक है बच्चों, अगर हमें a एंड b का आंसर जीरो लेके आना है तो उनमें से कोई एक भी जीरो हो सकती है या फिर दोनों जीरो हो सकती हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो देखो, हमने a को भी वन नॉन जीरो लिया, नॉन जीरो मतलब आप कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5 कुछ भी, और b को भी कुछ भी ले लो बस जीरो मतलब, तो अगर आप उनका मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आएगा ना आंसर में वो जीरो नहीं आएगी, समझ रहे हो ना। तो जीरो आंसर लाने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, या तो हमें किसी एक को जीरो रखना पड़ेगा या फिर दोनों को जीरो रखेंगे तो उसी कंडीशन में आंसर जीरो आएगा, अदरवाइज आंसर जीरो नहीं आएगा, यही हमें प्रूव करना था। समझ गए बच्चों, ये भी थम्स अप अगर आपको समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लो बेटे इसका, हो गया बेटा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, if the product of two whole number is 1, can we say that one of or both of them will be 1, justify through example। तो इनमें हमें बताना है कि वो क्या होंगे एक दूसरे, ठीक है। तो let two numbers a equal to 1 और b equal to be between 1, then इनका प्रोडक्ट मतलब a into b करेंगे हम तो 1 into 1 कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। और अगर मैं ले लेता हूं and if a equal to 3 और b equal to 1/3, यानी कि रेसिप्रोकल हमने लिया है, तो हमारे a into b का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 3 × 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो देखो बेटा, 1 आंसर कब आएगा आपका, या तो दोनों ही नंबर 1 हो या फिर वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, तो ये हमारा आंसर 1 आएगा। तो हमें ये लिख देना है, therefore if we need
a into b equal to 1, then either both numbers will be 1 or will be reciprocal of each other. बात समझ में आई बेटे? अगर हमें वन आंसर चाहिए ए एंड बी का, यानी कोई भी टू नंबर का मल्टीप्लाई वन के इक्वल चाहिए, तो उसके लिए या तो दोनों नंबर वन होने चाहिए या फिर दोनों नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होने चाहिए। बात समझ में आ गई बेटे? हम सब करके बताओ। क्लियर है ना? जिसको क्लियर नहीं है उल्टा थम्स अप करेगा। कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ठीक है, मैं मानता हूं आपका क्लियर है, मैं आगे चलूंगा। अगर समझ में नहीं आता ऐसे उल्टा थम्स अप करो बेटा, वीडियो के अंदर अपना थम्स अप उल्टा दिखाओ मेरे को। कुछ कुछ बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार आप वीडियो जब YouTube पे डाल जाएगा और रिपीट करके देखना, कुछ खास नहीं है बेटे इसमें। मैं फिर भी बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमें क्या पूछा है बेटे, क्या हमें अगर 2 नंबर का मल्टीप्लाई 1 लेके आना है तो वो नंबर किसके इक्वल होने चाहिए। तो बेटे मैंने करके देखा, अगर मैं दोनों नंबर को एक को इनके नेम दे दिए, मैंने फर्स्ट वाले नंबर का नेम ए है, सेकंड वाले नंबर का नेम बी है, अगर ए का वैल्यू 1 हो बी का वैल्यू भी 1 हो तो इनका मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है बेटे, वो भी 1 ही आ रहा है। तो अगर हमें 1 आंसर चाहिए तो दोनों नंबर 1 होनी चाहिए, एक पहले वाले भी 1 होनी चाहिए सेकंड वाले भी। तो मैंने इधर ये लिखा है द आइदर देन आइदर बोथ नंबर्स विल बी 1, दोनों नंबर 1 होंगी, और या फिर हम ए की वैल्यू 3 मान रहे हैं तो बी उसका रेसिप्रोकल मानना पड़ेगा। तो ए वैल्यू 3 है तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटे, देखो इसको बाय 1 लिख देता हूं, तो इसका रेसिप्रोकल इसको उल्टा होता है, तो 3 का 3 बाय 1 का उल्टा क्या होगा बेटे, 1 बाय 3। ठीक है, तो मैंने वो ही लिखा है a अगर 3 मान रहा है तो b इसका रेसिप्रोकल मानना पड़ेगा, यानी कि 1 by 3 मानना पड़ेगा। तो जब मैं a और b को मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो 3 मल्टीप्लाई 1 by 3, ये a है 3 b है 1 by 3, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है बच्चों 1, कैसे 3 बन गया 3 डिवाइड बाय 3, 3 में 3 का डिवाइड हो कितना है बेटे 1 आएगा ना। तो देखिए 1 आंसर कब आ रहा है, एक तो यहां पे आ रहा है और एक यहां पे आ रहा है, तो कब आ रहा है जब या तो दोनों नंबर 1 के इक्वल हो या फिर एक नंबर 3 है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, इसलिए अगर ये 2 होती तो इसका रेसिप्रोकल 1 बाय 2 होता, इसलिए हम यहां पे पर्टिकुलर नंबर यानी कि किसी एक नंबर का नाम नहीं लिखेंगे, सीधे क्या लिखेंगे विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब कितने बच्चों को समझ में आया, जल्दी से थम्स अप कर दो बेटा, टाइम नहीं है हमारे पास। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, ये नंबर ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, 5th क्वेश्चन, आप पढ़ के लाने ऐसे क्वेश्चन हमने कल किए थे बेटा, ठीक है। आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, तो 728 का मल्टीप्लाई करना है 101 से, तो आप क्या करेंगे 728 इसको ब्रेक कर देंगे टुकड़ों में, 100 प्लस 1 करके लाओगे ना घर से, तो 728 100 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा,
प्लस 728 वन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 728 पे डबल जीरो लग जाएगा, इधर 728 वन से मल्टीप्लाई होगा 728, तो हमारा आंसर कितना निकल गया 73,528। कितने बच्चों को समझ में आएगा सम सब करके बता दो जल्दी बेटा। ठीक है फिर आप इसकी क्वेश्चन करना, मैं क्वेश्चन राइट करवा देता हूं। ये ए था फिफ्थ वाले का, बी में क्या करना है आपको 5437 मल्टीप्लाइड बाय 1001, सी में क्या है बच्चों 824 मल्टीप्लाइड बाय 24 5। नेक्स्ट क्या है बेटे डी 4275 मल्टीप्लाइड बाय 125। देखो मैं इनको करना सिखाऊंगा इसी तरीके से। और ई में क्या है बच्चों 504 मल्टीप्लाइड बाय 35। ये तो आप कर ही लेंगे, ये भी हो जाएगा बेटे कैसे 824 मल्टीप्लाई कर दो इसको 20 प्लस 5 से, या फिर आप ऐसे तीन टुकड़े कर दो इसके और 10 प्लस 10 प्लस 5। कोई प्रॉब्लम बेटा? ये वाला कर रहा हूं मैं, तो इसका इससे करोगे तो 824 का मल्टीप्लाई 10 से, फिर प्लस आ जाएगा बीच में, फिर वापस 824 का मल्टीप्लाई 10 से, फिर बीच में प्लस आ जाएगा। अब 824 का मल्टीप्लाई 5 से होगा बेटा, ये इससे होगा तो 824 जीरो लग जाएगा, फिर वापस 824 जीरो लग जाएगा। इधर देखो बेटे 5 4 20 2 कैरी, 5 2 10 2 12 1 कैरी, 5 8 40 और 141। अब इन तीनों को ऐड कर सकते हैं हम इजीली, 8 2 4 0 8 2 4 0 और 4 1 2 0 ये आ जाएगा बेटे 21600। बात समझ में आई? थम्स अप करके बताओ बेटा ये वाला क्वेश्चन है। कितने बच्चों को समझ आया? थम्स अप करो जल्दी से। मींस आपको जितना उसके इसको इजी रखना है, ब्रेक कर देनी है नंबर्स को, ठीक है? अब इसको देखिए बेटा आप कैसे करेंगे, 4275 मल्टीप्लाइड बाय, इसको आप ब्रेक कर देना 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 कर दोगे ना, क्लियर है बच्चों? या फिर आप ऐसे कर सकते हो 4275 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25 इतना भी चल जाएगा, ठीक है? आपको जो इजी लगे वो कर लेना, ठीक है बच्चों? अगर बात समझ में आए तो थम्स अप करके बता दो मुझे। ओके ओके ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है बेटे स्टडी द पैटर्न, नीचे कुछ पैटर्न दिए हैं उसको देख के हमें कुछ गैस करना है। 1 × 8 + 1 कितना हुआ 9। फिर बेटे 12 × 8 + 2
इज इक्वल टू कितना बटे 98, फिर बटे 123 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 987। फिर बच्चों 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 98765। और फिर बच्चों 1 2 3 7 इंटू 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 9876। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटे, इसमें बताना है राइट द नेक्स्ट टू स्टेप्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो यहां पे आप देखिए बेटे, वन में एट का मल्टीप्लाई कर रहा है, वन ऐड कर रहा है, तो हमारे पास कितना आ रहा है 9। अब वन के साथ में अगली नंबर टू को भी ले लिया, फिर एट का मल्टीप्लाई किया, तो अगली नंबर जो है उसको प्लस कर दिया, तो 9 के बाद एक कम हो गया 8। ऐसे इसमें देखिए 1 2 3 ले लिया, मल्टीप्लाई 8 किया, वापस 3 प्लस कर दिया, तो 9 8 और 3 एक कम और हो गया 7 आ गया। ऐसे ये पैटर्न देखो 1 2 3 4 5 तक पहुंच गया, तो यहाँ पे 5 प्लस कर दिया, तो ये देखो 9 8 7 6 कहाँ पे पहुंच गया 5 पे। तो मेन बात क्या है, इसमें अगर इधर नंबर बढ़ाते जा रहे हैं तो इधर नंबर भी बढ़ रही है, लेकिन वो छोटी आती जा रही है एक एक करके। ठीक है बच्चों, तो अब आपको आंसर देना है, देखो इनका सम 10 आएगा हमेशा, 1 और 9 10, 2 और 8 10, 3 और 7 10 और 5 और 5 10 और 4 और 6 10 और। ठीक है बेटा, तो इस पैटर्न को यूज करके हमें नेक्स्ट टू स्टेप और लिखना है बेटे। तो हम लिख देते हैं इसके नेक्स्ट टू स्टेप रहेंगे बेटे 1 into 8 plus 1 = 9 था ये हमारे पास, तो हम लिखेंगे 1 2 3, देखो 1 2 3 के आगे वाला लिखेंगे 4, 1 2 3 के बाद में 4 लिखे हमें, इनटू 8 किया और प्लस 4 किया, आगे आएगा बेटे 9 8 7 6। क्लियर है? अगर यहाँ पे 4 लिए तो यहाँ पे 4 डिजिट आएंगे, लेकिन उल्टे 9 8 7 6। अगला लिख रहे हैं बेटे 1 2 3 4 5 तक, 6 तक लिख देते हैं, क्योंकि 5 वाला में ऑलरेडी गिवन है, 6 वाला लिख देते हैं, तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 6 प्लस भी करेंगे, तो ये आ जाएगा 9 8 7 6 5 और 4 तक आएगा, क्योंकि 6 और 4 10 हो गए। और लिखना है बेटे, एक और लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 लिखेंगे, इंटू 8 करेंगे प्लस 7 लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 तक आ जाएगा, 9 8 7 6 5 4 3। बात समझ में आ रही है? कितने बच्चों समझ में आ रही है? हम सब करके बताओ बेटा। चलो मैं रिपीट करता हूं एक बार ना, इसको थोड़ी देर में रेज करता हूं। इसमें ध्यान दीजिए 1 8 plus 1 = 9, फिर 1 के बाद में 2 भी ले लिया, तो यहाँ पे 2 प्लस किया, फिर आ रहा है 9 8। 1 2 3 ले लिया, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई करके फिर 3 लिया, तो ये 7 तक आ गया 3 डिजिट, तो इधर भी 3 डिजिट, यानी कि इसका और इसका योग देखा करो 10 आना चाहिए आपके, या फिर इन दोनों का देख लो, 3 का सम 10 का आएगा जब इसमें 7 प्लस करें। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो लास्ट में 5 है, 5 में
इस कितना सम करें, 10 हो जाए, तो 5 प्लस करना पड़ेगा, 5 में 5 प्लस करेंगे 10 हो जाएगा। ऐसे इसमें लास्ट पैटर्न था, उसमें हमें दिया था बेटे 1 2 3 7 दिया था लास्ट में, मल्टीप्लाई कितना था 8 और प्लस में भी 7 था बेटे। अब देखो 1 2 3 के लिए तो 9 8 7 आ ही जाएगा, लेकिन 7 में क्या प्लस करें 10 हो जाए, तो आएगा 3। इतने बच्चों को समझ में आ गई बात, आप कोई बताएगा मुझे? अब आप मुझे आंसर बताना, ठीक है? वन टू एट मल्टीप्लाई 8 प्लस 8, यहां पे मैंने 8 लिया है, 1 लिया तो 9 लिखेंगे, 2 लिया तो बेटे 8 लिखेंगे, अब 8 लिया तो यहां पे कितना लिखेंगे, 2, बिकॉज सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इनको ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 10, तो 1 में क्या ऐड करें 10 हो जाए 9, तो मैंने 9 लिया, 2 में क्या ऐड करें 10 हो जाए, तो मैंने 8 लिया, फिर 8 में क्या ऐड करें 10 हो जाए 2 लिया। आप चेक कर सकते हो इनका आंसर यही आएगा, एकदम करेक्ट है। चेक करें क्या, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 8 64 6 कैरी, 8 2 16 6 22 2 कैरी, 8 1 8 2 10, ठीक है, प्लस 8 करो बेटे, कहां मिस हुआ है, ठीक है, ओ 8 8 64 4 6, 8 16 6 22 2 8 1 8 2 10, प्लस 8 कितना आ रहा है बेटे 1032। इसमें पैटर्न वर्क नहीं करेगा, ठीक है, छोड़ देते इसको, यहां पे देखिए ये सभी वर्क कर रहे हैं ना, तो ये ऐसे भी वर्क करेगा, ठीक है बच्चों, यहां तक आपको 2 स्टेप और लिखने, लास्ट वाले डिजिट से हमें सम 10 रखना है, ठीक है। अब हम करते हैं, इसमें एक हिंट दिया उसको देखिए बेटा, सिक्स वाले क्वेश्चन में हिंट दिया नीचे, उसमें कहा है 1 2 3 4 5, अगर हमें आंसर चाहिए तो हम 5 टाइम 1 लेंगे, फिर 4 टाइम 1 लेंगे, फिर 3 टाइम 1 लेंगे, और फिर 2 टाइम 1 लेंगे, और फिर 1 टाइम 1 लेंगे। तो क्या ऐसा प्रेस पॉसिबल है? बिल्कुल बेटा, 1 2 3 4 5 टाइम लिया, फिर 4 टाइम लिया, और फिर 3 टाइम लिया, और फिर 2 टाइम, और फिर 1 टाइम। तो देखो ये 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, और लास्ट में 1 बचा। समझ गए बात को, क्लियर है ना? तो ऐसे आपको और 2 स्टेप्स लिखने हैं, तो आप और बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 टाइम के लिए कर लो, तो आप 3 टाइम 1 लोगे, फिर 2 टाइम 1 लोगे, फिर 1 टाइम, इनको ऐड करके देखो, 3 ये 2 और ये 1, तो इसके लिए आप लिख सकते हो 1 2 3, फिर 1 2 फिर 1। आप ज्यादा भी ले सकते थे बेटे, 1 2 3 4 ले सकते थे, तो 4 टाइम 1, फिर 3 टाइम 1, फिर 2 टाइम 1, और फिर 1 टाइम 1। क्लियर है ना? मतलब क्या है बेटे, जितने डिजिट हमारे आ रहे हैं उतने ही सब कम करते जाना है, 3 4 3 2 1, इसमें देखो 1 2 3 उधर उल्टा लिख दिया, 4 3 2 1, 4 3 2। क्लियर है बच्चों? थम्स अप कर दो अगर पैटर्न समझ में आ रहा है तो। अब नीचे जो है उसमें 3 स्टेप लिखने हैं आपको, 1 प्लस 3 कितना हो बेटे 4, यानी कि 2 का स्क्वायर। सेकंड में बेटे 1 प्लस 3 प्लस 5, यानी कि 3 का स्क्वायर। देखो ये कितनी ओड नंबर है,
3 और नंबर 1 के बाद 3 पे 3 बार 5 तो 3 का स्क्वायर ऐसे है पर 1 plus 3 plus 5 के बाद में कौन आता है 7 तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा कर सकते हो आप चेक कर सकते हो इक्वल में आ रहा है 16 इसके इक्वल आ रहा है 9 इसके इक्वल आ रहा है 4 देखो यहां से नेक्स्ट क्या है बच्चों और टू स्टेप लिखने तो 1 plus 3 plus 5 plus 7 के बाद में 9 आता है बच्चों तो इधर क्या लिखोगे 25 तो ये कितनी नंबर है 1 2 3 4 5 नंबर है तो 5 into 5 आना चाहिए ठीक है 5 into 5 25 आ रहा है नेक्स्ट पे ये कितनी है 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 उसके बाद 11 तो 5 6 नंबर हो गए तो 6 into 6 कितना आना चाहिए बेटे 36 ऐसे नेक्स्ट क्या होगा बेटे 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 तो कितना है बेटे 7 का स्क्वायर 49 हो गया हमारा काम 3 नंबर्स और लिखने थे हमने लिख दिए कितने बच्चों को समझ में आया बेटा हम सब करके बताओ वेरी गुड